वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ पंजाब लाइव। नौरंगाबाद श्री खंडूर साहब के नेड़े एक नगर है। इस नगर च भाई जीवा ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤੋਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਬਲੇ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। आखिर श्री गुरु अंगद साहिब पातशाह के दर्शन दरबार पहुँचा। अरजोई की, सच्चे पातशाह मीह हनेरी थमे, मैं खिचड़ी बना लवां। हजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, जीविया वग लैण दे, वस लैण दे, ये रबी रजा है। उसकी रजा विच ही रहना ही सिख का धर्म है। सब कर्म रजा विच ही हो रहे हैं। समुद्र विच अनेका जहाज़ चल रहे हैं। हज़ारां मनुक्खां नाल लदे हुए जा रहे हैं जो बहुत सारे उपजीविका लई व्यापार करते हैं। उन्होंने चलाने लिए प्रभु ने हवा चलाई है। ईश्वर ऐसे बहाने नूं रोजी रोटी देंदा है। वह सर्ब ज्ञाता प्रभ सब लई रिजक प्रदाता है। जे बचन करके हनेरी बंद कर दी तो सारे कार्ज विगड़ जाएंगे। लखां ही जीव जंतु भुखे रह जाएंगे। लखां जीवां दा दुख अपने सिर लै लईए। इस तरह की सोचनी मनमुखां वाली है। गुरमुख सदा हर किसी लिए सुख लोचते हैं तो खुद संकट सह लेंदे हैं तो दूजे नूं दुखी नहीं होण दिंदे। जिवें इस्तरी नूं उसके पति की आग्या परवान है तो घर सुख है। जिस घर विच पिता ते पुत्र दा सुभा ना रले उत्थे जीवन विच रस नहीं रहिंदा। पुत्र अपने पिता नाल सुभार लाउण दी थां होर पासे दीआं गल्लां करे। इस अजोड़े सुभा करके जीवन सुखी होण दी थां दुखी हो जांदा है। पुत्र पिता दी रजा विच रहे, यही असल मार्ग है। इसलिए भाई जीविया प्रभु की रजा विच राजी रह। सब सेवा के फल तेनों प्राप्त होणगे। प्रेम नाल सतनाम का जाप करिया कर। हे भाई, इस शरीर का हंकार त्याग दे ता ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होवेगा। जन्म मरण का चक्कर कटिया जावेगा। भाई जीवे ने सतगुरु जी का उपदेश सुन के नमस्कार की ते सतगुरु जी की सिक्ख्या नूं मन विच ग्रहण कर लिया ते ज्ञान नूं प्राप्त हो गया। वह बहुत चिर सतगुरु जी की सेवा करता रहा अते अंत निरंकार विच जा समाया। भाई गुरदास जी ने भाई जीवा जी नूं गुरु की सेवा विच समाया होया सिख लिखिया। उन्हें कहा कि जो भी वाहिगुरु दे अगे जाके एवें सेवा करेगा, सिमरन करेगा, वह अपनी मन मंगिया मुरादा पाएगा। गुरबाणी सानू सब कुछ देंदी है। लोड़ है अटूट विश्वास की। जिस दिन विश्वास आ गया आपे झोलियां भरिया जाणगियां। आओ आपां भी वह अटूट विश्वास गुरु ते बनाईए।